ये जो प्रक्रिया देख रहे हो, जब कभी कोई शुभ मुहूर्त स्टार्ट होता है तो नींव लगाने का जो तरीका है वो इस तरीके से है। देखिए, जो आप जो बकेट है, बाल्टी, उसमें फोकस कर सकते हो, उसमें पवित्र जल है, उसमें उसके साथ में दूध है। हाँ, जो पत्थर हैं जिनको नीम के पत्थर बोलते हैं, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार टिकेगा, उनको विधिवत रूप से पवित्र किया जा रहा है। जो शिव बाबा है, सब कार्य उनको समर्पित करके इस कार्य का शुभारंभ हुआ है। इधर जो आपको सफ़ेद वस्त्रों में दिखाई दे रहे हैं, अनिल भाई जी हैं और बीके दीदी हैं, जो श्याम लता बहन जी हैं, वो आपको दिखाते हैं जो गुड्ढा जो सेंटर है वहाँ से बिलोंग करती हैं और पवित्रता के कार्य में सदा समर्पित हैं। और जो विधि है वो आगे बढ़ती हुई, जो यहाँ जो पत्थर लेते हैं वो विषम संख्या में लेंगे, जिसमें 3, 5, 7 या 11 हो सकते हैं। अभी इनको पवित्र करने का कार्य विधिवत रूप से किया जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे हो जो श्यामलता बहन के हाथ में जो ओम शांति जो एक ज्ञान कलश बोलते हैं वैसे, तो इसमें आप जो पुष्प हैं वो देख सकते हो। पुष्प हैं वो दो प्रकार के हैं, एक शक्ति का, एक शांति का प्रतीक है। और साथ में जो बाबा को चाहने वाले हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं, जो हमारे ताऊ जी देख रहे हो यहाँ पे, ये चौथी नींव हैं वो अपने कर कमलों से लगाएंगे यहाँ पे, और अभी तक इन्हीं के हाथों से लगती आई हैं। ये वो नीम के पत्थर हैं जिनसे यहाँ का जो भवन है उसकी शुरुआत हुई थी। और ये नीम है, आप देख सकते हो इसको खोदा गया है और एक निश्चित जो मेजरमेंट है उसमें इसको खोदा गया है। और यहाँ पे अभी विधिवत रूप से देखिए, ये चंदन है, इनका तिलक है, इनको जो पत्थर है, इन्हीं पत्थर है उनको किया जा रहा है। ये पत्थर नहीं बोले तो वो सैनिक हैं जो संपूर्ण मेडिटेशन हॉल का भार अपने कंधों पे लेंगे। तो आपको विधिवत रूप से आगे की प्रक्रिया है वो दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड यू विल बी हैप्पी टू सी दिस। और कौन कहता है कि बड़े बुजुर्ग ही धार्मिक कार्य करते हैं, लोग अक्सर समझते हैं। ये देखिए हमारे नौजवान साथी भाई जो यहाँ खड़े हुए हैं और इस कार्य में भाग ले रहे हैं। और ये देखिए अब ये नारियल आ चुका है, नारियल को नाल बंधेगा। अब ये बाबा का पवित्र जल है इस नींव में डाला जाएगा, क्योंकि हर कार्य की शुरुआत वो पवित्रता के साथ ही होती है, सद विचारों के साथ होती है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ होती है। और ये देखिए ये जो पवित्र जल है ये नींव में डाला गया है अनिल भाई जी के द्वारा। अब चलो ईंट दे दो। अब जिन्हें ईंटों को पवित्र किया गया था नारियल के साथ में, सर्वप्रथम नींव में उनको रखा जाएगा। बाबा के सॉन्ग तो चला दो, बंद कैसे हो गए? ये लो बाबा के सॉन्गों की फरमाइश और बाबा के सॉन्ग चलने लगे। तो सबसे पहले जो मसाला है ये नींव में रखते हैं, बाबा को एक बार याद करते हैं कुछ समय के लिए। ये एक बार शुभ कार्य आरंभ करने से पहले ये सभी भाई बहन हैं वो बाबा की याद में संगीत चल रहा है, वो मेरा बाबा है, दैट मीन्स ऑल सोल्स फादर इज वन। नाथ माता नाथ
बाबा को याद किया, उसके बाद में कार्य को आगे बढ़ाया। अभी जो करनी है उसको पहले नाल है वो एक जो पवित्र बंधन है वो देते हैं। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। बोले साधन और साध्य दोनों को यहाँ पवित्र किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें जिससे कर रहे हैं, जो कर रहा है, दोनों ही पवित्र होने आवश्यक है। और ये जो चंदन का तिलक है ये साध्य और साधन दोनों को ही ये तिलक किया जाएगा। ये देखिए शायद ये परंपरा जो साधन और साध्य दोनों को ये तिलक किया जा रहा है, ये भारत के अलावा कहीं मौजूद नहीं है कि ऐसी परंपराओं को वहन किया जाए या उनको फॉलो किया जाए। लेकिन इनके पीछे का साइंस है वो बहुत ही गहरा है। यहाँ फूलों से स्वागत किया जा रहा है इस भूमि का, जो भूमि पूजन बोलते हैं उसको। अब ये शुभ कार्य आरंभ होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा। अब जो नेक्स्ट होगा वो जो नारियल है, इस नारियल से कार्य किया जाएगा। देखिए नारियल के साथ जो बंधन बंधा हुआ था उसको इसको पधारना बोलते हैं। दीदी द्वारा पधराया जा रहा है अनिल भाई जी सहयोग करते हुए। ये श्यामलता दीदी ने नारियल को पधरवाया है और नारियल में जो का पानी है ईंच पे रख की जय। यहाँ जय घोष के साथ जो ईंट गया रखी शिव बाबा जो सर्व आत्माओं का परम पिता है उसकी जय घोष के साथ में जो प्रथम जो ईंट है वो रखी गई है अंदर। मैं आपको यह दृश्य दिखाता हूँ, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ जो पवित्रता को पूर्ण रूप से समर्पित यहाँ पे जो आपको सफ़ेद जो वस्त्र हैं उनमें दिखाई दे रहे हैं वो अनिल भाई जी हैं, श्यामलता बहन हैं, इन्होंने यह आजीवन पवित्रता को समर्पित हैं। और यहाँ पे जो खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पवित्र रास्ते पे चलने को अग्रसर हैं। वो तभी इस दोपहर के अंदर यहाँ मौजूद हैं, बिना किसी छत्ते के छाँव के धूप में खड़े हुए हैं। और जो यहाँ ये नीम का जो पत्थर लगा है ये यहाँ पे जो मेडिटेशन हॉल है जो मनुष्य का जीवन बदल सकता है वो बनने जा रहा है, जो मानव कल्याण को समर्पित है। अभी जो नेक्स्ट है इसमें देखिए ये जो ओम शांति जो लिखा है कलश है ये इसमें रखा जाएगा। और उसके बाद में यानी भाई जी के हाथ में जो वस्त्र हैं इनमें भोग है, वो भोग भी यहाँ पे जो शिव बाबा को स्मरण करके वो समर्पित किया जाएगा। बीच में आप जो म्यूजिक चल रहा है उसका लुत्फ ले सकते हैं। अब ये जो लड्डुओं का भोग है चिटकी के साथ लगाते हुए और अभी जो दीपक है इसको प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद में ये भी रखा जाएगा। आ जाओ।